सो अब देखते हैं ऑब्जेक्ट रिलेशन डेटाबेस ORD। तो ये जो है वो ऊप और रिलेशनल डेटाबेस दोनों का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्वायर करता है और हैंडल डेटा स्ट्रक्चर को, कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर को हैंडल करने का काम आता है, ठीक है। और इसमें क्या है कि डेटा ऑब्जेक्ट्स के फॉर्म में स्टोर होते हैं और ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो रिलेशनशिप डिफाइन होती है रिलेशनल मॉडल के बेसिस पे। तो फ्लेक्सिबल एंड पावरफुल डेटा मॉडलिंग होती है एंड एक्वायरिंग दैट इज़ पॉसिबल विद अ प्योर रिलेशनल डेटाबेस। तो दोनों की ही चीज़ें कंबाइंड होती हैं। अगला बोलता है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और ऑब्जेक्ट रिलेशनल डेटाबेस में क्या अंतर है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस यानी OODB और ऑब्जेक्ट रिलेशनल डेटाबेस यानी ORD, जो हमने ऊपर डिस्कस करा कि OODB इज़ डिज़ाइन टू स्टोर एंड मैनेज कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट, और ORD जो है वो कंबाइन करता है, कंबाइन द बेनिफिट ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन एंड रिलेशनल डेटाबेसेस। तो दोनों की चीज़ें कंबाइन करते हैं। की डिफरेंसेस देख लेते हैं डेटा मॉडलिंग के बेसिस पे देखें तो OODB डेटा इज़ मॉडल्ड एज ऑब्जेक्ट्स विच हैव अ प्रॉपर्टी एंड मेथड्स, ठीक है। कुछ प्रॉपर्टीज और मेथड्स होते हैं। ORD कैन बी मॉडल्ड बाय यूजिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड रिलेशनल मॉडलिंग टेक्निक्स, जिससे कि वो मोर कॉम्प्लेक्स और फ्लेक्सिबल डेटा स्ट्रक्चर पर काम कर सके, ठीक है। क्वेरिंग की बात करें तो OODB यूजेस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्वेरी लैंग्वेज जैसे OQL और ORD जो है SQL या एक्सटेंशन ऑफ SQL सपोर्ट करता है। परफॉर्मेंस देखें तो OODB आर डिज़ाइन फॉर फास्ट ऑब्जेक्ट एसेस एंड मैनिपुलेशन, ORD आर ऑप्टिमाइज फॉर इफेक्टिव क्वेरिंग एंड डेटा रिट्रीवल। इंटीग्रेशन की बात करें तो OODB जो है वो ऑफन यूज इन एनवायरमेंट वेयर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज ऑल्सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, और ORD जो है वो वाइड रेंज ऑफ प्रोग्रामिंग एनवायरमेंट में यूज़ होता है। इसलिए OODB इज़ डिज़ाइन स्पेसिफिकली फॉर मैनेजिंग कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा स्ट्रक्चर, और ORD जो है वो बोथ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और रिलेशनल डेटाबेस हैंडल करने में काम आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर SQL स्टैंडर्ड, ऑल्सो एक्सप्लेन स्टैंडर्ड ऑफ इंटरऑपरेबिलिटी एंड इंटीग्रेशन। तो SQL स्टैंडर्ड देख लेते हैं। एक स्टैंडर्डाइज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है यूज टू मैनेज रिलेशनल डेटाबेस, और रूल्स एंड गाइडलाइंस डेवलप्ड एंड मेंटेन बाय ISO और IEC एंड ANSI टू इंश्योर दैट SQL प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज आर कॉन्स्टेंट अक्रॉस वेरियस प्लेटफॉर्म। तो दीज स्टैंडर्ड डिफाइन द सिंटैक्स, सिमेंटिक एंड डेटा टाइप्स ऑफ SQL लैंग्वेज। मतलब बोलते हैं ना SQL स्टैंडर्ड्स क्या हैं, तो जो सिंटैक्स सिमेंटिक्स वगैरह यूज़ होंगे ये सब किसने डिफाइन करे, ANSI वगैरह ने, है ना, ISO IEC ने। स्टैंडर्ड ऑफ इंटरऑपरेबिलिटी और इंटीग्रेशन का मतलब क्या है कि इंटरऑपरेबिलिटी यानी एबिलिटी ऑफ डिफरेंट सिस्टम एंड डिवाइसेस टू वर्क टुगेदर, ठीक है, इंटरचेंजेबली ऑपरेट हो पा रहे हैं, ऐसे बोल सकते हैं, शेयर इन्फॉर्मेशन सीमलेसली। और SQL की बात करें तो इंटरऑपरेबल स्टैंडर्ड्स इंश्योर दैट द SQL डेटाबेस एंड एप्लीकेशन कैन वर्क टुगेदर रिगार्डलेस ऑफ वेंडर। मतलब कोई दिक्कत नहीं है, तुम कौन सा प्लेटफॉर्म, कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो, SQL का यूज़ कर सकते हो। दिस अलाउ फॉर ग्रेट फ्लेक्सिबिलिटी एंड ईजी डेटा शेयरिंग। अगली बात करें, द स्टैंडर्ड ऑफ इंटीग्रेशन रिफर टू द एबिलिटी ऑफ कंबाइंड डिफरेंट सिस्टम एंड टेक्नोलॉजीज इनटू अ सिंगल सीमलेस एनवायरनमेंट। तो जब इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारा एप्लीकेशन, डेटाबेस सब मिलना चाहिए, और इस चीज़ को सीमलेस करने के लिए स्टैंडर्ड्स ऑफ इंटीग्रेशन डिफाइन है। तो SQL इंटीग्रेशन स्टैंडर्ड इंश्योर कि SQL डेटाबेस कैन इंटीग्रेट विद अदर सिस्टम्स जैसे वेब सर्विसेज, क्लाउड प्लेटफॉर्म, बिग डेटा सॉल्यूशंस। अगला क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वेब सर्विसेज, एक्सप्लेन SOAP इन डिटेल। वेब सर्विसेज क्या होते हैं? वेब सर्विसेज आर सॉफ्टवेयर सिस्टम डिजाइन टू सपोर्ट इंटरऑपरेबल मशीन टू मशीन इंटीग्रेशन ओवर अ नेटवर्क, है ना, और दे अलाउ डिफरेंट एप्लीकेशन टू कंबाइन टू कम्युनिकेट विद ईच अदर यूजिंग स्टैंडर्ड वेब प्रोटोकॉल जैसे HTTP और XML। तो वेब सर्विसेज यूज़ होती हैं एंटरप्राइजेज में टू सपोर्ट इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंट सिस्टम एंड एप्लीकेशन। SOAP की बात करें तो सिंपल ऑब्जेक्ट एसेस प्रोटोकॉल, ये एक मैसेजिंग प्रोटोकॉल है यूज टू एक्सचेंज स्ट्रक्चरल डेटा बिटवीन डिफरेंट एप्लीकेशन। तो इट इज़ एन XML बेस्ड प्रोटोकॉल दैट डिफाइन अ स्टैंडर्ड वे ऑफ डिस्क्राइबिंग स्ट्रक्चर ऑफ मैसेज एंड द ऑपरेशंस दैट कैन बी परफॉर्म्ड ऑन इट। तो SOAP इज टिपिकली यूज टू इम्प्लीमेंट वेब सर्विसेज, अलाउ डिफरेंट एप्लीकेशन टू कम्युनिकेट एंड यूज स्टैंडर्ड वेब प्रोटोकॉल। SOAP मैसेज स्ट्रक्चर जो है कंसिस्ट ऑफ एनवेलप होता है, हेडर होता है, बॉडी होती है। एनवेलप के अंदर मैसेज की इन्फॉर्मेशन है, कौन सा वर्जन है, क्या डेस्टिनेशन है। हेडर कंटेन एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट द मैसेज सच एज सिक्योरिटी और राउटिंग, और बॉडी कंटेन द एक्चुअल डाटा, ठीक है। देयरफॉर SQL स्टैंडर्ड इंश्योर SQL डेटाबेस एंड एप्लीकेशन कंसिस्टेंट अक्रॉस डिफरेंट प्लेटफॉर्म और वेंडर, और इंटरऑपरेबिलिटी और इंटीग्रेशन तो मैंने बता ही दिया। तो बस इतना ही था हमारा, और यही थे कुछ क्वेश्चंस जो हम देख सकते हैं, और इसी के सिमिलर क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं।